संसारी प्राणी पाप तो बड़े यत्न से करता है पर उसका फल नहीं चाहता, और पुण्य करता नहीं उसका फल चाहता है। तो संसारी प्राणी पाप तो बड़े यत्न से करता है, ऐसे यत्न से करता है जैसे इसको पाप के द्वारा स्वर्ग और मोक्ष मिलने वाला हो। सारे तरह के पुरुषार्थ ये करता रहता है अनादि काल के, इसके इस तरह के संस्कार बने हुए हैं और वर्तमान में भी पुण्य की हीनता के कारण ऐसे खोटे साधनों से यह जुड़ता जा रहा है। ऐसे ही साधन ये जुटा रहा है, उन्हीं के वह संपर्कों में है, तो निरंतर पाप का ही संचय कर रहा है। तो बड़े पुरुषार्थ मूलक खूब सारा समय इसके पास पाप के लिए है, ऐसी संगतियां भी हैं, इस तरह बड़े यत्न से कर रहा है। जब भी कोई व्यापारी होता है, कुशल व्यापारी तो प्रतिदिन का हिसाब रखता है कि हम जिस व्यापार को कर रहे हैं इस व्यापार में कितना हमें लाभ हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि हमने जितनी पूंजी लगाई थी वो पूंजी में से ही कुछ बाहर निकलना चालू हो गया, तो ऐसा वह कुशल व्यापारी हिसाब किताब रखता है। पर ये संसारी प्राणी ये हिसाब किताब नहीं रखता है कि हम दिन भर में पाप की आय ज्यादा कर रहे हैं कि पुण्य की आय ज्यादा कर रहे हैं। उस लौकिक को जड़ धन की तो हम खूब देखभाल कर रहे हैं, हिसाब किताब लगा रहे हैं, पर आगामी काल के लिए जो हमें पाप का फल मिलने वाला है उसका अधिक बंद हो रहा है कि पुण्य का अधिक बंद हो रहा है। ये तो अपनी मनोदशा के ऊपर है कि किस तरह की हमारी मन की ये प्रक्रिया है जिससे सोचने मात्र से ही उस कर्म का बंद हो जाता है, चाहे हम उस कार्य में सफल हो पाए या ना हो पाए। तो पाप तो बड़े इतने से कर रहा है और पुण्य कार्य कर नहीं रहा है, पर उसका वह फल चाह रहा है कि महाराज हमें पाप का तो फल चाहिए नहीं है, क्योंकि पाप के फल के बारे में हमें पता है कि पाप का फल इस संसारी प्राणी को कहाँ भोगना पड़ता है। तो पाप भोगने के लिए तो भैया आचार्यों ने और भगवानों ने एक ही स्थान लिखा है, वह चारों गतियों में एक नरक गति, जहाँ जाके इस संसारी प्राणी की अच्छे से सर्विस होती है, सारे पार्ट्स के अच्छे से धुलते हैं। गाड़ी तो आपकी 10-20 मिनट में धुल जाती है, पर इस पाप की धुलाई के लिए आचार्य ने सागरों पर्यंत लिखे हैं, उन सागरों पर्यंत तक उस नरकों में जाके पाप की सजा भोगना पड़ती है। और जो प्राणी पुण्य का संचय करती है वे तो स्वर्गों में जाती हैं, और स्वर्गों की तो दशा अलग ही है। तो इस तरह से हम अपने हिसाब को जोड़ें कि हमारी सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक की प्रवृत्ति पापमय कहाँ कहाँ है। जब हम उस प्रवृत्ति का हिसाब किताब जोड़ के उस प्रवृत्ति पर हम नियंत्रण करते चले जाएं। आचार्य ने पर अपन सब पर कितनी बड़ी कृपा की है कि ऐसे अनुष्ठानों का वर्णन करके हमें बड़े पुण्य कमाने का अवसर दिया है। अगर शायद ऐसे अनुष्ठान नहीं होते आगम में, आचार्य ने नहीं बताया होता, तो फिर पाप के अलावा तो संसारी प्राणी को कुछ करने के लिए काम ही नहीं है। पर जो पुण्य का संचय करना चाहती है
वे तो कुछ समय निकाल के और अपने मन को स्थिर करके पुण्य का संचय कर लेती हैं, पर जो इस पुण्य कार्य से दूर हैं, जिन्हें पाप के साधनों से समय ही नहीं है, पाप चर्चा के अलावा जिन्हें समय ही नहीं है, पाप अनुष्ठान के अलावा जिन्हें समय ही नहीं है, उनकी तो अपन क्या कहें। वे तो बासा खा रहे हैं महाराज, तो बासा कब तक चलेगा ना, कितने दिन तक चलेगा बासा, बासा भी समाप्त तो हो जाएगा। आचार्य महाराज ने एक बार कहा था कि पूर्व के पुण्य के उदय से सब कुछ मिला है, अगर आगामी पर्याय के लिए तुम पुण्य का संचय नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी दुर्गति होनी है। इसलिए ऐसे अनुष्ठानों का वर्णन करके ये पुण्य संचय के लिए बताए गए हैं। समय समय पर ऐसे अनुष्ठान होते रहते हैं, छोटी पूजा तो प्रतिदिन करना ही चाहिए और भी जो भी आवश्यक है करना चाहिए, पर ऐसे अवसर अगर कभी भी मिलते हैं अनुष्ठान आदि के तो अपने कुछ जरूर करना चाहिए। आचार्य महाराज ने एक बार बताया था कि पहले जमाने में तो विधान करना बहुत कठिन था। एक आचार्य महाराज ने घटना सुनाई थी, सागर नगर की घटना है, चातुर्मास का समय था और विधान उनको करना था समाज के लोगों को, जिन विद्वान को जयपुर से बुलाना था क्योंकि आसपास में तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी, पर बारिश इतनी अधिक हो गई कि ट्रेन ही रद्द हो गई और वह विद्वान को जिनको विधान सिद्ध चक्र विधान कराना था वह उस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके। तब समाज ने क्या किया, सारी द्रव्य तो शुद्ध करके रख ली थी, सारी व्यवस्थाएं थी, पर विधान कोई पढ़ना जानता नहीं था कि सिद्ध चक्र विधान या शांति विधान कैसे किया जाता, किसी को कोई पता नहीं था। फिर क्या किया, जितनी भी द्रव्य रखी थी अब कोई है ही नहीं, तो उदक चंदन तंदुल कहके पूरी सारी की द्रव समर्पित करती हो गया विधान। ये छदमस्ता थी, ऐसा उस समय ज्ञान का अभाव और विवेक का अभाव था, पर आज आपके समक्ष ऐसी सारी स्थितियां नहीं हैं। आप जब चाहें तो बड़े ठाट बाट के साथ उस कार्यक्रम को करने वाले भी हैं और कराने वाले भी हैं, तो आप उस पुण्य को संचय कर सकती हैं। तो इस तरह की स्थिति है कि आज 64 रिद्धिधारी मुनिराजों के अर्घ चढ़ना है, आज इतना अपना पुण्य नहीं है कि उनके दर्शन हो सके, क्योंकि आज पंचम काल में रिद्धियां होती नहीं, मात्र सिद्धियां होती हैं, रिद्धियां नहीं होती हैं, पर उनका दर्शन तो होना संभव नहीं, पर उनकी हमने पूजा भक्ति ही कर ली तो बहुत हमने पुण्य का संचय कर लिया, और उतने समय में हम जो पाप का संचय करती थी उस पाप से हम बच गए, नहीं तो आप यहाँ नहीं होते, अभी विधान नहीं होता तो कहाँ होते आप, आप विचार करें ना कहाँ होते, जहाँ जिसको रहना वहीं तो व्यक्ति रहता है और अपने खोटे मन के द्वारा निरंतर पाप का संचय वह करता है। तो इसलिए आचार्य ने तो यही कहा कि हे संसारी प्राणी पुण्य का संचय करो, क्योंकि पुण्यवानों पर अगर कोई उपद्रव भी होता है तो भाई उपसर्ग क्या है, भाई उपसर्ग भी क्या होता है, उत्सव बन जाता है। ऐसे आचार्य गुणभद्र महाराज ने आत्मानुशासन में लिखा, पर बुद्धि उनकी ऐसी होती है, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, रिद्धिधारी मुनिराज बनते कैसे हैं, जिनका चारित्र निर्मल होता है, जो निर्देश चर्या का पालन करते हैं, जिन्हें चर्या के अलावा कुछ काम ही नहीं, अपने विदोषों को निर्दोष पालन करते हुए निरंतर साधना और तपों में लगे रहते हैं, उनको ये रिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो ऐसे उनका वचन भी होता है, पूरा पाठ करने के बाद भी वे कभी थकते नहीं, कायबल कैसा होता है उन रिद्धियों में, एक उंगली से पूरा तीन लोग उठा दें, ऐसी उनकी काय की शक्ति हुआ करती। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने समाधि तंत्र ग्रंथ में
एक सबसे सरल उपाय बताया है कि ये संसारी प्राणी परमात्मा कैसे बन जाता है। ये संसारी प्राणी जैसे ही अरहंत और सिद्धों की आराधना करते हैं, पूजा भक्ति करते हैं, उसके माध्यम से जो इस संसार में यह संसारी प्राणी चारों गतियों के दुख उठा रहा है, जन्म मरण के दुख उठा रहा है, तो यह सारी इस आराधना करने से समाप्त हो जाती है। बहुत कठिन लगता है महाराज, मोक्ष जाना तो बहुत कठिन है, क्योंकि तरह तरह के तप तपना पड़ती है, और भी क्या क्या करना पड़ता है, तब जाके इन कर्मों का क्षय होता है और जब जाके मुक्ति मिलती है। पर आचार्य पूछपाद महाराज ने तो केवल एक भक्ति मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति करा दी कि आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पूरे मन वचन काय को लगा के ऐसी प्रभु की भक्ति करना है, उससे आप परमात्मा बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? बिल्कुल आचार्य की घोषणा है। तो ऐसे आचार्यों ने उपाय बताए हैं, आप अभी सिद्धचक विधान कर रहे हैं और लगता महाराज इससे तो कुछ हो गई नहीं, ऐसा सोच के मत करो, इससे ही सब कुछ होगा। क्योंकि ये मंगल अनुष्ठान हुआ करते हैं, ये अनुष्ठान क्या करते हैं, जो भी विधान कर रहे हैं मंगल कहलाती है, और मंगल दो शब्दों से बना है। मंगल, मंग का अर्थ क्या होता है, लाने वाला। क्या लाने वाला? पुण्य को लाने वाला। जो भी आप अभी अनुष्ठान कर रहे हैं, इससे निरंतर पुण्य का संचय हो रहा है, और वह पुण्य आगामी जीवन में काम में आएगा। वैसे प्रचलन में तो यही सोच है महाराज, जो भी कर्म किया जाता है तो उसका फल बाद में मिलता है, इस सामान्य नियम है। पर सिद्धांत ग्रंथों की ओर अगर जाते हैं तो सिद्धांत ग्रंथों में यह लिखा है कि ये नहीं कि पूर्व का किया हुआ ही आगामी जीवन में फल मिलता है, अभी का किया अभी भी फल मिल सकता। अबाधा एक शब्द सिद्धांत ग्रंथों में आता है, जो भी हम कर्म करते हैं उसकी जितनी अबाधा पड़ती है उसके बाद ही वह उसका उदय शुरू होता है। तो जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनको अंता कोड़ा कोड़ी सागर से कभी कर्म का बंध ज्यादा नहीं होता, और उसकी अबाधा कितनी है, अंतर्भूत। सामान्य सम्यक दृष्टि के अलावा भी वह कर्म बंध हो सकता है। अगर अंता कोड़ा कोड़ी स्थिति उस कर्म की पड़ी है तो वो क्या अंतर्मूत के बाद उदय में आएगा ही। आपने कोई भी पुण्य कार्य 4 बजे किया तो 4:48 के पहले पहले वह धमाका देगा। क्या देगा? पुण्य धमाका देगा। ये सिद्धांत ग्रंथ की बात है। अभी लगता है महाराज पूर्व का, अभी करो अभी पाओ। इसी तरह पाप की भी बात है, अभी करो और अभी। आचार्य ने सिद्धांत ग्रंथों में ये सब चर्चाएं लिखी हुई हैं, इसलिए ये नहीं सोचो महाराज हम अभी कर रहे हैं क्या होने वाला है, जो होने वाला है वह सब अच्छा ही होने वाला है। तो यह मंग का अर्थ लाने वाला, पुण्य को लाना अर्थात पुण्य को बढ़ाने वाला, निरंतर पुण्य संचित आपका हो रहा है, जिस पुण्य के बगैर कोई धन वैभव और कोई भी सामग्री, भोग सामग्री प्राप्ति नहीं होगी। जब भी भोग आदि अच्छी सामग्री प्राप्त होगी वह पुण्य के माध्यम से ही होगी। आप लाख कितना ही पुरुषार्थ कर लो, अगर पुण्य कर्म उदय नहीं है तो नहीं मिल सकती। महाराज हम तो बहुत श्रम करते हैं, आपसे कई गुना तो मजदूर श्रम करता है, पर उसको इतने धन की उपलब्धि नहीं होती है। और आपको कैसे कैसे लोग दुनिया में हैं, अपने सिग्नेचर अगर 2 अक्षर के बना देते हैं लाखों करोड़ों मिल जाती है।
और आप रात दिन करते रहो, क्या होना? उतना नहीं मिलना। तो ये पुण्य की बात है, योग्यता की बात है। तो इस तरह ये कह रहे हैं, ये पुण्य को लाने वाला, वो गल शब्द क्या कह रहा है, पाप को गलाने वाला। पूर्व में जो भी अनादि काल से संसारी प्राण ने पाप कर्म किए हैं, उनको समाप्त करने वाला यह मंगल अनुष्ठान हुआ करता है, इससे ये सब चीजें उपलब्ध होती हैं। तो इस तरह से आचार्य पूज्यपाद महाराज कह रहे हैं कि बस ऐसे भगवान की अगर आप भक्ति करते हो तो ये सारे क्या है, कर्म नष्ट की तुम भी अरहंत और सिद्ध बन जाओगे। देखो, भगवान और आप में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, भगवान और आप में थोड़ा ही सा अंतर है। भगवान का जो भूत था वह आपका वर्तमान है, भगवान का जो वर्तमान है वह आपका भविष्य है। बस इतना ही अंतर है, और कोई ज्यादा अंतर क्या है बताओ। जो आदिनाथ भगवान पूर्व पर्याय में थे, मतलब उनका भूत था, वह आपका वर्तमान है, वो भगवान का जो वर्तमान है वह आपका भविष्य होगा। बस इतना ही अंतर है, उसको ही समाप्त करना है। और वही समाप्त करने के लिए एक भक्ति एक बहुत बड़ा उपाय है, जिसके माध्यम से ये सब कर्मों को आप नष्ट करके उस सिद्धत पर्याय को प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, समय बहुत है, हमारा तो बोलने का था ही नहीं, क्यों अर्घ बहुत ज़्यादा चढ़ना है और समय का अतिक्रम होना भी एक अच्छी बात नहीं है। बाकी तो सब ठीक है, क्योंकि ज़्यादा देर बैठने से और पेट्रोल नहीं मिलने से कब तक गाड़ी चलेगी ना। तो इस तरह एक विधान तप भी है, और तप भी क्या है, पुण्य संचय कराने वाला और पाप कर्म की निद्रा कराने वाला। ये आप तप कर रहे हैं, सारे विषयों को आपने छोड़ दिया, भूख प्यास भी बाधा तो है पर उसको भी त्याग करके हुए आप बैठे हैं। तो ऐसे आप सिद्धों की आराधना करते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाएं। यहाँ तो जब तक पुण्य है, अच्छी पर्याय है, तब तक सुख है, पर सिद्धों में तो हमेशा हमेशा के लिए सुख है। उस सुख की भावना से यह आप अनुष्ठान करिए। इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।